आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज जल्दी ही फुल हो जाता है तो आपको ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप ऐसे फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं जो आपको पसंद नहीं हो, है ना। लेकिन गाइज, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका मोबाइल का स्टोरेज कभी भी फुल नहीं होगा। जी हाँ, आपका मोबाइल का स्टोरेज अनलिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना होगा गूगल फोटोज। गूगल फोटोज लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आप देख सकते हो गूगल फोटोज एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन राइट, उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने फोटोज और वीडियोस को यहाँ पर एक्सेस कर देना है, यहाँ पर परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर अलाउ करने से ये परमिशंस अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। गूगल का एप्लीकेशन है, बहुत ही सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में लिखा रहा है टर्न ऑन बैकअप, आपको यहाँ पर टर्न ऑन बैकअप पर क्लिक करना है, जिससे आपका जो फोटोज एंड वीडियोज हैं इसमें बैकअप हो जाएंगी। अगर आप डिलीट कर भी दोगे ना फिर भी ये बैकअप हो जाएंगी, ऑलराइट। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेस, आपको हाई क्वालिटी में एक्सप्रेस पर ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल डेटा जितना भी यूज़ करना चाहते हैं इस बैकअप के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो, या तो नो डेटा पर क्लिक कर सकते हो, ऑलराइट, या फिर 5 MB रहने दो। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है photos.google.com के जरिए अपने फोटोज़ को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा रहा है फोटोज ऑटोमेटिकली टैग्ड, ये सिक्योरिटी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ फोटोज एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका गूगल फोटोज एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ऑलराइट। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आपको कुछ करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 डॉट का आइकन आ रहा है, इस 3 डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बैकअप एंड सिंक, ठीक है, आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन आएगा बैकअप डिवाइस फोल्डर्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके कैमरा से जो भी फोटो खींचे गए हैं वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने डाउनलोड किए फोटो यहाँ पर अब बैकअप हो जाए तो यहाँ पर इसे इनेबल कर देना आपको, ठीक है। या फिर आपकी स्क्रीन कैप्चर वाले यानी स्क्रीन शॉट वगैरह होते हैं वो भी मतलब बैकअप हो जाएँ, व्हाट्सअप इमेजेस, व्हाट्सअप वीडियोस, ये और फेसबुक वाले ये भी मतलब बैकअप हो जाए तो आप यहाँ से इन्हें इनेबल कर सकते हो, आपके फोटोज़ बैकअप हो जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन के जरिए अनलिमिटेड बैकअप कर सकते हो और अपने गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ को रख सकते हो। मतलब आपका मोबाइल का स्टोरेज अब अनलिमिटेड हो गया है, आपका मोबाइल कौन सा भी हो, ऑलराइट। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।